चलो मजू कर लो मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं हमारा चैनल बिग न्यूज सेवी। जो दर्शक मेरे देर अभी जुड़े हैं मेरे देर से, मैं उन्हें बताता चलूं, आज जनपद बुलंदशहर के जहांगीराबाद कोतवाली के गांव जलीलपुर में एक ऐसी घटना घटी है जिसको हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। मैं बताता चलूं कि पुलिस देर रात गाँव निवासी सलीम पुत्र शब्बीर के घर पहुंचती है, जहां उसको लाने का प्रयास करती है। बताया जा रहा है कि वो कुछ ही दूर घर से चलता है कि अचानक गिर जाता है, जैसा कि पुलिस का कहना है, सीसीटीवी में देखकर वो बता रही है। लेकिन क्या वजह रही जो उसको पुलिस लेने गई, ये शायद जांच का विषय है। पुलिस भी इसमें जांच कर रही है और आला अधिकारी भी इसमें जांच कर रहे हैं। लेकिन अभी हम कब्रिस्तान में खड़े हुए हैं जहां शब्बीर सलीम उर्फ पुत्र शब्बीर को सुपुर्द खाक किया गया है। मैं एक बार बताता चलूंगा, सूबे के उत्तर प्रदेश के सूत्र अखिलेश यादव ने भी इस बुलंदशहर की घटना पर ट्वीट करा है, फेसबुक पर भी ट्वीट करा है, ट्वीट भी करा है। मैं उसकी भी आपको दिखाऊंगा कि क्या कहा है उन्होंने ट्वीट में, उन्होंने लिखा वो भी आप देखें। तो चले मेरे साथ, मैं उन सलीम कुरैशी को गमगीन माहौल में सुपुर्द खाक करने ले जा रहे हैं और काफी भीड़ है, काफी रिश्तेदार हैं, अहबाब हैं और सभी ग्रामीण वे आसपास से लोग आए हुए हैं। देख पा रहे हूँ आप हमारे चैनल के माध्यम से, ये आप देख पा रहे हो छतों पर भी उड़ते हैं। सलीम को गमगीन माहौल में सुपुर्द खाक ले जाते हुए काफ़ी भीड़ है, गमगीन माहौल है और स्थानीय वे मौजूद है, वे जनपद से आए सभी लोग मौजूद हैं। Thank you.
फैमिली।